गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेकर आ चुका हूं इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट एकदम सटीक बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ सकते हो बिना कोई कोचिंग के। देखे दोस्तों, ये तो आपको पता ही है मेरी खुद की लाइब्रेरी है, तो मैं भी पूरे दो दिन से डिफरेंट डिफरेंट सभी बुक्स को एनालाइज करने में लगा हुआ था। आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज करे, उसके बेसिस पर सबसे बेस्ट सबसे यूनिक बुक्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखे दोस्तों, ना ही आपको बहुत महंगी महंगी लेंदी बुक परचेज करने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत महंगे महंगे कोर्स परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। बस सिंपली घर बैठकर इन बुक से अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, देखिएगा आप खुद अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे, एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ फोड़ के आओगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो 15 अप्रैल से हो रहे हैं। दो फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं, तैयारी शुरू करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके सभी डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। और इस बार हम आरपीएफ के दोनों ही एग्जाम को प्रायोरिटी पर रख के चलेंगे क्योंकि अकेले जनरल अवेयरनेस से ही 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में हम किस कदर गर्दा उड़ाने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्या नेक्स्ट लेवल का कॉन्टेंट हम यहां पर लेकर आने वाले हैं आपको पता भी नहीं होगा। तो दोस्तों, पूरी प्लानिंग जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा आरपीएफ के एग्जाम को लेकर, तो वेट करिए, चैनल के ऊपर बने रहिए। देखिए दोस्तों, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर सब इंस्पेक्टर का, तीन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा अर्थमेटिक रहेगा 35 क्वेश्चन, तीसरा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अर्थमेटिक के लिए कहां से पढ़े, सबसे बेस्ट बुक हमें बता दीजिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा। देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक के लिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा झोंका है मैंने, तब आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। पहली जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथमेटिक्स के लिए, वो है आपकी फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक की एक बुक आती है बाय राजेश वर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए। इससे बेस्ट बुक इस बार मेरे अकॉर्डिंग कोई भी नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मुझे इसके लिए किसी ने पैसे दिए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग पब्लिकेशन की बुक ही रिकमेंड करने वाला हूं, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। जो रियली में बेस्ट है यार स्टूडेंट्स के लिए, वही मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं। यहां पर मैं आपको खुद की मैथमेटिक्स की बुक भी रिकमेंड कर सकता था, आपको पता है हमारी खुद मैथमेटिक्स की बुक आती है। अगर यहां पर बात होती एसएससी एग्जाम्स की तो मैं आपको ये ब्रीफ वाली बुक जरूर रिकमेंड करता, लेकिन बात है आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, तो इस एग्जाम में अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, एक ऑथेंटिक सटीक प्रिपरेशन आपको करनी है, एक अच्छा स्कोर करना है, तो अर्थमेटिक के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक यह रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कवर्ड है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जब मैं एनालाइज कर रहा था इन बुक्स को, तो मैंने ये चीज नोटिस करी 2018 वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के अंदर पूछे गए थे ना, ज्यादातर क्वेश्चन का लेवल इस बुक के अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लेवल से डायरेक्टली मैच करता है। हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बहुत सारे फॉर्मूले, डेफिनेशंस दे रखे हैं, लॉजिक्स दे रखे हैं, काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन, जिनको सॉल्व करके आप खुद समझ जाओगे कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन-कौन से लॉजिक लगेंगे। और दोस्तों, इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज काफी सारी वर्क प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाती है जो कि आपके लेवल को यहां से यहां तक उठा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टी कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये देख लीजिए फास्ट ट्रैक की अरिहंत पब्लिकेशन की है, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, बेहतरीन बुक है। इसके अलावा एक हमारी ब्रीफ ये बुक आती है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस एग्जाम के लिए, एसएससी की बात हो रही होती तो कर देता। एक और बुक है जो कि हमारी खुद की है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ये हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए बुक है। इसकी खास बात यह है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हमने इसके अंदर मेंटेन कर रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, खुद आपको सोल्व करनी है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। तो अगर लास्ट में टाइम बचे,
इस बुक से पढ़ने के बाद। तो इस बुक के अंदर दिए गए क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ना, झंडे गाड़ के आओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon Flipkart के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है किस बुक से आप तैयारी करना चाहते हो, क्लियर है। बाकी किसी और बुक के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी तैयारी कैसे करनी है आगे मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, चिंता मत करिए। बाकी अर्थमेटिक के लिए ये बुक काफी बेस्ट रहेंगी, दोनों ही आप परचेज कर सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, यहां पर हम डायरेक्टली जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जनरल अवेयरनेस में। अगर आपको झंडे गाड़ के आने हैं तो आंख बंद करके मेरे कहने से इन दोनों बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपनी एग्जाम से पहले, रियली में एग्जाम में हाइएस्ट स्कोर ही करके आओगे। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सेक्शन मोस्टली आपके कवर किए जाते हैं आरपीएफ के एग्जाम में, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जनरल साइंस स्ट्रेटजी के करंट अफेयर कवर किया जाता है ना, तो ये एक सिंगल बुक जो आती है ना हमारी थ्योरेटिकल बुक है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जनरल साइंस स्ट्रेटजी के डिटेल के साथ कवर है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ स्टोरी की तरह एक एक टॉपिक आपको समझा रखा है, पूरी बुक टॉपिक वाइज है। और इस बुक की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो इस बुक के लास्ट 40 पेजेस है। लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्ट्रेटजी जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपकी महत्वपूर्ण नदिया हो, हेडक्वार्टर कुछ भी हो आपकी, सारे आपको टॉपिक्स यहां पर मिल जाएंगे, फोकडन टेंपल वगैरह, और वो है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अगर आपने पढ़ रखी है तो रहने दीजिएगा, लेकिन लास्ट 40 पेजेस कवर हो जाने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्टेटिक जी के पोर्शन से बनते हैं। और इतना ही नहीं, लास्ट के 15-20 पेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन भी हमने वन लाइनर में कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो यार मजा आ जाएगा अगर ये बुक कवर हो गई। इसको कवर करने के बाद ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक आती है। इसकी खास बात है कि एक ऑब्जेक्टिव बुक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जनरल साइंस स्टडीज जीके टॉपिक वाइज कवर है, और वो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जीएस का कॉन्सेप्ट इस कदर क्लियर होगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आरपीएफ क्या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बैठ जाइएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है, वैसे मुझे पता है सभी के पास होगी, 4 साल हो गए इन बुक को मार्केट के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, अभी परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए, ठीक है। बात रही करंट अफेयर की, वैसे आपको बता रखा है मैंने 7 मार्च को सुबह 10 बजे से ही इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री लास्ट 2 ईयर की करंट अफेयर का एक महामैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 24 महीने का करंट अफेयर हम एक साथ कवर करेंगे एक ही मैराथन के में। शायद YouTube के ऊपर ये पहली बार हो रहा होगा कि 2 साल का करंट अफेयर डिटेल्ड के साथ कोई डिस्कस कर रहा हो, पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर की प्रॉब्लम वहां से आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप खुद को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो करंट अफेयर के अंदर, तो हमारी खुद की वे टू सक्सेस की लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर की बुक आती है, ओवरडोज मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी कवर है, करंट अफेयर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इमेजेस के साथ भी कवर है, और करंट अफेयर के लास्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर है। तो मजा आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसी आपकी इच्छा। और बाकी मैराथन जो आ रही है ना उसका टाइम अभी नोट कर लीजिएगा। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीजनिंग के लिए मैं आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट बुक रिकमेंड करके जाऊंगा। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है, आपको किस बुक से तैयारी करनी चाहिए। पहली बुक, पहले अपना लेवल सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हूं और मुझे कोई ऐसी बुक बता दो कि आरपीएफ क्या किसी भी एग्जाम में बैठ जाऊं, रीजनिंग के लिए मुझे कभी भी ना पढ़ना पड़े, रीजनिंग के लिए मुझे किसी टीचर की हेल्प ना लेना पड़े, रीजनिंग के लिए मुझे अदर बुक से ना पढ़ना पड़े, तो भाई वन एंड ओनली बुक आती है अरिहंत की मास्टर रीजनिंग। ये तो फादर ऑफ ऑल रीजनिंग बुक है, ये तो ऐसी बुक है जिसके अंदर दिए गए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में छप जाते हैं, तो भाई बेहतरीन बुक है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में है, वन एंड ओनली रीजनिंग की माँ है ये, हम ऐसा कह सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार रीजनिंग का मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे एक बार अच्छे से ओवरव्यू लेना है और ठीक ठाक रीजनिंग में मैं कर लूंगा, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो 2 बुक है, कोई भी परचेज कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो अरिहंत की आर के झा की ये वाली बुक आती है, सेम परचेज कर लीजिएगा, बिंदास बुक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भाई रीजनिंग की आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जय किशन प्रेम किशन की बेहतरीन बुक है, ये तो मेरे पास थोड़ा सा पुराना है, लेटेस्ट अब तो मार्केट में अवेलेबल है, दोनों बुक एक नंबर बुक है, आपको मतलब बिल्कुल ऐसी है जैसी मास्टर रीजनिंग है ना,
ऐसी मान के चलिए, ठीक है, या फिर छोटी भाई बहने मान सकते हैं आप इन बुक को, काफी बेहतरीन है ये बुक भी, काम कर देगी। एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग का टॉपिक भी आप अच्छे से कवर कर लोगे, प्रीवियसर क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट सभी पूरा सिलेबस कवर्ड है, तो कोई भी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी, सभी की सभी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सभी बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश की परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, और बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिस बुक से आप कंफर्टेबल हो, जिस बुक से आप पढ़ना चाहते हो, उस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जो टीचर आपको बता रहा है आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। यहां पर मैंने आपके साथ मेरे खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि 2012 से एनडीए के एग्जाम से मैंने शुरुआत करी थी और 2018 में फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है और अब तक तैयारी करा भी रहा हूं, ऑनलाइन भी मैंने पढ़ा है, ऑफलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं, चाहे कोई भी वीडियो ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, बाकी प्रिपरेशन करनी कैसे, कैसे तैयारी करें, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाली वीडियो कल आ रही है, स्ट्रेटजी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, किस तरीके से घर बैठे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहां फोकस करना है, कहां नहीं करना है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियोस में आ रही है, वेट करिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।